हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और नमस्ते आप सबका। मैं अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब इस गर्मी के मौसम में अपने अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे, है ना, कितना स्टाइल वाला। तो आप लोग सब कैसे हैं बताइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग सब अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं कि नहीं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हाइड्रेट रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फैमिली होगा स्वस्थ तो हम होंगे चकाचक। तो चलिए जोक्स अपार्ट तो है ही, पर यहाँ पे इसमें सच्चाई भी है क्योंकि मैं भी अपने आप को हाइड्रेट रख रही हूँ, अपने बच्चों को भी और अपनी मम्मी को भी, और मैं अपने पति को भी बोल रही हूँ ठीक से पानी वानी पीना, नहीं तो मैं वहीं पे आके तुमको देखती हूँ क्या करते हो। तो चलिए, कल का वीडियो एक ही आया था, उसके मैं कमेंट्स लेके चालू हो जाती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले शशि जी का मैसेज मैं चालू करूँगी। हाय, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सबको कि कल समर का आपने हालत देखा था, अपनी मम्मी को खुद नहीं पहचान रहा है, इतना अच्छा लग रहा था ना, उस बुढ़िया के संग ऐसे ही होना चाहिए था। अपने बेटे को बड़ा चली थी अपने काबू में करने के लिए ना, तो उनके साथ जो हो रहा है ना बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। अब देखना समर की मम्मी क्या करेगी, अब तो हाथ से तो सारा कुछ तो फिसल गया, समर तो अब हाथ से गया, तो अब क्या करने वाली है। अब तो यही होगा कि राधिका राधिका की मम्मी से हेल्प लेगी या तो अंकित से हेल्प लेगी, गुनगुन को बोलेगी, ये सब ही करेगी। अब यही सिलसिला चलेगा इसका, क्योंकि अकेले अकेले जो नौटंकी कर रही थी ना, इसमें ध्रुव की मम्मी अब तो साथ देने वाली है नहीं। ध्रुव की मम्मी बात भी सुनेगी, ध्रुव की मम्मी तो अपने ऊपर कोई ब्लेम लेगी नहीं, बोलेगी मैंने आपको क्या कहा था, ये सभी नौटंकी और आगे हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सब रेडी हो जाते हैं इतने सारे नौटंकी को झेलने के लिए और शशि जी का मैसेज से मैं चालू करती हूँ। सीरियल देखकर बहन जी, कोई भी बच्चा अपनी माँ पर विश्वास नहीं करेगा, जो कि अच्छा खासा समर है आप तो जानती हैं, और उसकी माँ कितनी कमीनी है, एक वारिस के पीछे अपने लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, और लड़की बहू ऐसी बहू नहीं है गुनगुन। गुनगुन कितनी अच्छी बहू है हम सबको पता है, और यहाँ पे बेटे को अपने वश में रखना चाहती थी तो वो भी सिलसिला हुआ नहीं बिचारी का। तो अब करना क्या है गुनगुन, ये समर की मम्मी का, वो तो समर की मम्मी भी नहीं जानती, मतलब अब देखते हैं पंडित कितना पैसा ऐंठता है। मैं तो कल बोली पैसे वैसे ऐंठना बंद करो, सीधा एक ज़मीन नाम करो, ज़मींदारनी है ज़मींदारनी, पैसों की कमी थोड़ी ना उनको, पहले बोली थी ना मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, भगवान के दया से सब कुछ मेरे पास है। तो एक लैंड अपना प्रॉपर्टी अपना दान कर भी देंगी तो इनका क्या चला जाएगा, है कि नहीं शशि जी, एकदम सही कहा ना। फिर उसके बाद कंचन जी ने लिखा है, वेरी गुड, आप सही बोले हैं, इसके ऐसा ही होना चाहिए था। अब मुझे आ गया बता को बस मैं करने का, अब तो बेटा भी गया हाथ से, अब क्या होगा समर की माँ का, समर से बात भी हाथ धो बैठी है। वेरी गुड, मुझे तो कल ना ऐसे ऐसे क्लैप करने का मन कर रहा था कंचन जी कि इस औरत के संग जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसका बेटा भी हाथ से गया और अब किसी और का जमाई बनेगा और तीसरी बहू आएगी। उषा आंटी लिखा है, बेटा मारे को बहुत दुख हुआ है, समर के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत डर लग रहा है, नागिन के कहानी तो बंद हो गया, सब नागिन के वजह से हुआ है कांड। एकदम आंटी, इसे कहते हैं ना नहले पे धैला, इनकी मम्मी को ज़्यादा ही अपने आप को होशियार शातिर समझ रही थी और ध्रुव की मम्मी का साथ दे दे के ये सब कर रही थी। तो लो अब ध्रुव की मम्मी से जाके बोलो कि कैसा पंडित है ये, मेरे बेटे को तो एकदम मुझसे छीन ही लिया, ध्रुव की मम्मी अपने ऊपर तो ब्लेम लेगी नहीं, और लो दो दनादन और झगड़े होंगे और गुनगुन को भी सब पता चलेगा। विनीता जी ने लिखा है, राधे राधे दीदी, अब तो समर की माँ की तीन बहुएँ हो गई, अब कच्ची पक्की रोटी नहीं खानी पड़ेगी, अब तीसरी बहू के हाथ की खाएगी मलाई। अरे मलाई और रस मलाई, गुलाब जामुन, आप जो खिलाओ विनीता जी सब कुछ तीसरी बहू बना के खिलाएगी। तो अभी तो हमको तो लिस्ट तैयार करना है कि समर की मम्मी को और क्या क्या तीसरी बहू से खाने को मिलेगा। अरे बहुत कुछ, जो नहीं भी चाहती वो भी खाने को मिलेगा, क्या पता दो तीन थप्पड़ भी खाने को मिल जाए। उसके बाद ताशी जी ने लिखा है, समर का नागिनी माँ अपनी बेटे को खुद से कुत्ता बना दिया। सही कहा, एकदम इनके चलते ही ये बेटा इनका ऐसा हाल हुआ है।
लीना जी ने लिखा है, लीना गैसवर जी ने, वाई समर कैमरा इज कैप्चरिंग ऑल दिस वीडियो, डिड समर केप्ट वन इन ईच हाउस, वन इन गुनगुन, वन एट हिज प्लेस एंड नाउ वन इन पंडित प्लेस, डोंट रियली अंडरस्टैंड इफ दिस इज ऑल रियल, दीज आर नॉट रियल, दीज आर ऑल फेक वीडियोज, लीना जी आई एम टेलिंग यू दीज आर ऑल फेक वीडियोज, अगर ये रियल होता तो इसमें कुछ और आपको देखने को मिलता, ये सब फेक वीडियोज है विच वी आर ऑल इंजॉइंग इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. Anyway, it's all very sad. Love and kisses to your cute little boy. Thank you so much, Leena ji. And the second time I'm telling you, these are all fake things. We are just enjoying the video and nothing else. And Summer, he's also acting. But yahi hai acting mein jo dikha raha hai, बहुत गलत दिखा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को समर का ये हालत देख के, और समर की जो भी हालत है उसकी मम्मी के कारण है. उसके बाद मेरे शौकीन जी ने लिखा है अलवर से, समर की मम्मी गलती खुद करती है, दोस्त ध्रुव की मम्मी का दे रही है, दूसरे के कहने पर चलेगी तो ऐसे ही होगा, तेरे साथ में समर की मम्मी खुद में तो दिमाग है नहीं, दूसरे के दिमाग से चलती है तो तेरे साथ में ऐसा ही होगा, समर की मम्मी समर अपनी बीवी के साथ खुश था तो आपको उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी, वही तो है नहीं देखी जा रही थी, उनको था बीवी की बातें सुन रहा है, बीवी को खुश रख रहा है, मतलब क्या जोरू का गुलाम हो गया, जैसे इनका पति इनकी कभी नहीं सुनता था, इनका पति इनको हमेशा धिक्कारता रहता था, इसीलिए इनको अपने बेटे को मुट्ठी में रखना था, ऐसा मुट्ठी में रखे कि रेत की तरह फिसल के चला गया. रेनू जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला सिस्टर, विद लॉट्स ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच. महिमा जी ने मुझे लाइक दिया है, थैंक यू. गीता जी ने मुझे मैसेज किया है, लिखा है सिस्टर आप सही बोल रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सबको थैंक यू जो मुझे मैसेज करते हैं. फिर मनप्रीत सिंह जी ने लिखा है, राधिका आप कमेंट्स पढ़ो और देखो क्या दिखा रहे हैं समर को, पता नहीं ये लोग वीडियो देखते नहीं है, और ये सब तो ऐसे भी सब सीरियल चल रहा है, क्या देखना क्या नहीं देखना है कि नहीं मनप्रीत जी. तरनजीत जी ने लिखा है, आप बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच. मुस्कान जी ने लिखा है, राइट मैम. फिर एन ग्रोनी जी ने लिखा है, देखिए एक माँ अपने घर को बर्बाद कैसे करती है, गुनगुन के लिए बेटे को कुत्ता बना दिया, अब सीरियल में मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. जोस्विन जी लिखा है, सिस्टर आई न्यू दैट इट इज़ गोइंग टू बी रिवर्स वर्क्स, Summer's mother acted too smart but became a big fool. Exactly. Now she has become a fool. फिर H. Valius जी ने लिखा है, अब तो समर बहुत ही नट्स ग्लास गया, पंडित बहुत चलाक है प्लस उसकी बेटी फुल चलाक एकदम. सुमित्रा जी ने लिखा है, दीदी ये जो पंडित है ना, ये कन्हैया सिंह के वीडियो में डॉक्टर बना था, ये सब नाटक कर रहे हैं, कब तक चलेगा पता नहीं कब तक चलेगा. और मैं आप लोग को बताऊँ एक चीज़, मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, अचानक से मैंने इनका एक वीडियो देखा, आया था क्लिपिंग, मैंने खोल के नहीं देखा, उसमें ये अपनी ही बेटी से शादी करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, तो इनका ऐसा एक वीडियो आया था, मैंने देखा ये तो वही है डॉक्टर भानु प्रताप जो आप लोग बोलते हो, तो वहाँ लिखा भी था डॉक्टर भानु प्रताप अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता है ज़बरदस्ती, बताओ. फिर जोशी ने लिखा है, नॉट अ ओन सन, एग्जैक्टली. फिर तरनजीत जी ने लिखा है, अब तो बहुत खुश होना है. रीमा जी ने लिखा है, ये सब इस बुढ़ी की वजह से हो रहा है, एकदम रीमा जी, इस बुढ़ी की वजह से ही हो रहा है. अब मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो तो मैं जल्दी से पढ़ लूँ, नहीं तो रह जाएगा मैसेज एकदम. नहीं, मैंने तो सभी का मैसेज पढ़ लिया है, किसी का नहीं है. अब मैं अपने कमेंट के वीडियो में एक बार चली जाती हूँ, कल के कमेंट के वीडियो में देखती हूँ मुझे कोई कमेंट आए हैं कि नहीं, अगर बाई चांस आया होगा तो मैं वहाँ भी पढ़ लूँगी, पर मेरा ये कमेंट का ये बॉक्स खुलेगा तब तो मैं कुछ पढ़ूँगी, यहाँ तो कोई कमेंट का बॉक्स खुलता भी नहीं है. हाँ, यहाँ तीन मैसेजेस है मेरे पास. पहला मैसेज लोडिंग पे लोडिंग होता जाते थे, घटिया जगह मैं रहती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती. हाँ, रोशनी जी ने लिखा है, गुड जॉब, थैंक यू. ताशी जी ने लिखा, हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच. और शशि जी ने लिखा है, इसकी अम्मा के कीड़े पड़ेंगे बहन जी, अपने लड़के के संग जो हाल कर रहे हैं उसका पैदा किया हुआ लड़का नहीं है ना, इसीलिए इस नए साल किया देखे क्या होता है, राधिका की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, एकदम बर्बाद हो रही है. मैं तो बोलूँ राधिका की मम्मी को ना पकड़ के समर की मम्मी को दो तीन झाड़ू नहीं दो तीन थप्पड़ मारना चाहिए, तभी ठीक रहेगी. बस अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड. मेरा वीडियो हो रहा है समाप्त क्योंकि मेरे सारे कमेंट्स हो गए हैं समाप्त. और आप लोग मुझे ऐसे प्यार ऐसे सपोर्ट करते रहना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करना, मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ और कुछ नहीं फैमिली मेरे, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना.
तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा बेटा सो रहा है इसलिए आया नहीं आप लोग को हाय हेलो नमस्ते करने के लिए, अभी अगर जान जाता दौड़ के चला आता। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अपने आप को स्वस्थ रखिएगा इस गर्मी के मौसम में। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और पड़ने वाला है जो हमें झेलना पड़ेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।